सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल माय इंजीनियरिंग चैनल मनु। तो फ्रेंड, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि भैया कि यदि हमारा सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन किए और अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो जो फर्स्ट राउंड वाला जो कॉलेज था वो अच्छा, जो कि सेकेंड राउंड वाला कॉलेज से मेरा जो फर्स्ट वाला कॉलेज था वो अच्छा था, वो मिलेगा या नहीं। सेकेंड था क्वेश्चन स्टूडेंट का कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलाउड नहीं हुआ। मान लो कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट जो होने वाला है 27 तारीख को, तो अलॉटेड नहीं हमारा हुआ, तो क्या सेकेंड राउंड में होगा या नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन घंटी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपको जो कि फर्स्ट वाला था क्वेश्चन कि भैया जो सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन किया, तो फर्स्ट वाला जो कॉलेज था वो मिलेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को जो फर्स्ट राउंड वाला था कॉलेज वो मिल जाएगा मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको जब सीट अलॉटमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको अपग्रेडेशन यस या नो रहता है। यदि आप लोग यस करते हैं तो आप लोग को मिलेगा, यदि नो करते हैं तो नहीं मिलेगा। क्यों नो यदि कर लीजिएगा तो आपका कहने का मतलब है अपग्रेडेशन नो, कि हम अगले राउंड के लिए नहीं जाएंगे, इसीलिए आप लोग को वही कॉलेज मिलेगा। यदि आप लोग अपग्रेडेशन यस कर देते हैं तो आप लोग का जो कि सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं और आपको एडमिशन जो कि सेकेंड राउंड में हो जाएगा। तो अब चलते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है 6 नंबर में कि अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु, यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट लेटर कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि अकाउंट और लॉगिन अपना सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं। यानी कि कह रहा है कि जब सीट अलॉटमेंट होगा 27 तारीख को, तो वही बोल रहा है कि अकाउंट में अपना लॉगिन कर आप लोग रिजल्ट चेक कर भी सकते हैं कि कहाँ आपको जो कि सीट अलॉटमेंट होता है। और यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात है, बोला गया है कि अगर कोई, यहाँ पर अच्छा से देख सकते हैं, अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित कॉलेज एवं ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु तो अपना इच्छा व्यक्त करें। ये बोला कि वही जो बताया कि आप लोग का यदि आप जो कि अपग्रेडेशन करना चाहते हैं सेकेंड राउंड के लिए, तो वहाँ पर जब प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करेंगे उसी समय आपको एक रहेगा अपग्रेडेशन यस और दूसरा रहेगा नो। यदि चाहते हैं जो भी कॉलेज मिला है आप संतुष्ट हैं तो वहाँ पर लिख दें कि यदि आप लोग का कि हाँ मेरा, यदि आप चाहते हैं कि वो कॉलेज हमारा मिल जाए जो भी कॉलेज मिला है, तो आप वहाँ अपग्रेडेशन नो करना। यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो कॉलेज मिला है वो अच्छा नहीं मिला है, ना ब्रांच मिला है, तो आप ग्रेडेशन यस कर देना, क्योंकि फिर जो भी कॉलेज आएंगे और आने के बाद ही आपको वो जो प्रोफेसर, तब आपको अपग्रेडेशन मान्य होगा। तो आपको मैं बताऊंगा भी जो कि 7 नंबर में है, तो इसके बारे में और इसके आगे के देख सकते हैं। बोला कि अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन इच्छा व्यक्त करें। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड के काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपना इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो उन्हें अगले राउंड के लिए काउंसलिंग पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी बोला कि जब प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करेगा, यदि आप लोग वहां पर नहीं करते हैं अपग्रेडेशन, तो आपको नेक्स्ट राउंड में आपको जाने के लिए नहीं मिलेगा। और यहां पर देख सकते हैं 7वां नंबर में आपको अच्छा से ध्यान देना होगा। लिखा गया है कि आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग नोडल सेंटर के नाम और तिथि अंकित होगा। और जब आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर आता है सीट अलॉटमेंट, तो वहाँ पर आपका जो भी सेंटर का जहाँ पर सीट अलॉटेड होता है वहाँ का सेंटर नाम रहेगा और तिथि रहेगा। यानी कि आप लोग का जानबे करते हैं कि 27 तारीख से आप लोग को जो कि जाना होगा जो भी कॉलेज में आपको अलॉटेड होता है वहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जिनके अनुसार अभ्यर्थी अपने संबंधित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि, यानी आपको समय के अनुसार जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। क्यों करवाता है? जो भी स्टूडेंट जो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करेगा उसमें यस भी करेगा या तो वो नो भी अपग्रेडेशन करेगा, वो दोनों को जो अपग्रेडेशन किया है या
जो भी स्टूडेंट अपग्रेडेशन नहीं किए हैं वो दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके कराना होगा फिजिकली, जो अपग्रेडेशन किए हैं और जो अपग्रेडेशन नहीं किए हैं दोनों, जिनको फाइनली एडमिशन लेना है या तो फाइनली एडमिशन नहीं लेना है आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो इसलिए किया जाता है ताकि जो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज मिला है वो आपका रह जाए, तब आपको सेकेंड राउंड में जो भी अलॉटेड, मान लो कि वही ना पूछे थे कि हमारा जो कि सेकेंड राउंड में गए हैं और वो कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज मिलेगा, तो वही के कारण पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेता है वहाँ पर, कि यदि आपको मिलता है आपको मन है तब पर भी ले लीजिए, और नहीं मन है यदि मान लो कि फर्स्ट वाला जो था वो उससे अच्छा मिल गया है सेकेंड राउंड में, तो आप लोग सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला वहाँ आपको एडमिशन हो जाएगा। यदि चाहते हैं कि नहीं हमारा जो फर्स्ट राउंड वाला मिला है वही हमारा लेना है, तो वही आपको, इसीलिए आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों के लिए कर लेता है, या तो आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या तो आप ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं। तो ये बात को आपको ध्यान से सुनना होगा तो आपको कोई भी दिक्कत ना होगा। और फ्रेंड्स, अगर कोई अभ्यर्थी, यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश, यहाँ पर देख सकते हैं कारणवश निर्धारित तिथि तथा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थी को अगले राउंड के लिए आयोग मानते हुए सीट जो कि रिक्त कर लिया जाएगा, उस सीट आपको खाली चल जाएगा, जो सेकेंड वाला में आएंगे उसी को उस सीट पर जगह पर जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसको मिल जाएगा, और वे आगे की काउंसलिंग हेतु भी आयोग हो जाएंगे, माने सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलेगा कोई भी स्टूडेंट जो वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा, जिनको अपग्रेडेशन करना है या तो नहीं करना है दोनों को आना होगा, यदि नहीं आते हैं तो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये आपको ध्यान से सुनना होगा और समझ लेना होगा। और यहाँ देख सकते हैं लिखा गया अभी अगले राउंड में मानता है सीट रिक्त माना जाएगा और आयोग हो जाएंगे, सही बात है। और दूसरा था प्रश्न स्टूडेंट के कि भैया जो फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो क्या सेकेंड राउंड में हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहां पर हां हो जाएगा आप लोग को सेकेंड राउंड में, यदि फर्स्ट राउंड में अलॉटेड नहीं होता है कोई भी कॉलेज, क्योंकि उसमें रैंक के अनुसार होता है, रैंक अच्छा रहता है उसको सबसे फर्स्ट राउंड जो कि फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाता है, और नहीं तो आपको यदि उस तरह से आपको रैंक नहीं है तो आपको सेकेंड राउंड में दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी गया है, कुछ अपने मन से नहीं बताते हैं, तो लिखा गया है कि फर्स्ट राउंड में किसी भी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है, लिखा गया कि सीट आवंटन नहीं होता है तो अगले राउंड में आप लोग इंतज़ार करेंगे आपको आ जाएगा। यदि सेकेंड राउंड में भी नहीं आता है तो आप लोग मॉपअप राउंड में हो जाएगा, जो कि फिजिकली आपको जाना होगा काउंसलिंग के लिए, जो कि पटना आईएएस भवन, तो यहाँ पर देख भी सकते हैं लिखा गया है कि विलगनेस फॉर अटैची मॉपअप राउंड में दोनों भाग ले सकते हैं। और एक भी प्रश्न हो सकता है आप लोग के मन में कि भैया जो हम फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जो कि हो गए हैं लेकिन हम मॉपअप राउंड में भी जाना चाहते हैं, तो वो दोनों के लिए है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा 5 से लेकर 7 तारीख तक आप लोग करना होगा। तो ये आप लोगों का जो कि सीट अलॉटमेंट होता है लेकिन मॉपअप राउंड तक जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और उसका जो कि रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा 8 तारीख को, और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं ऑफलाइन लिखा है 10 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा जो कि पटना में, तो आप लोग जाके कर ले। तो आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेरा आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।